हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से लगभग हमेशा आपका नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आपका टाइम भी नहीं बचा हुआ है, सो आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यहां से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहां से नहीं छूटना चाहिए। सो पहले हम लोग देखते हैं कि यहां से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स के आपके 5 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बी और सी पार्ट को मिला के, और 25 to 34.50 मार्क्स के अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए। तो मिनिमम 25 मार्क्स का अभी तक कॉम्प्लेक्स से आपसे पूछा गया है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपके अभी तक पूछे गए हैं, जो आपको बिल्कुल रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन आ गया। फिर सीआर इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके जब फंक्शन एनालिटिक होता है तो वहां पे आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट कब कब होता है, उससे कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रिजल्ट्स फॉर कांस्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन जैसे आपका इमेजिनरी हो गया या रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया तो आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है। इसी टाइप से कॉन्स्टेंट फंक्शन का एक थ्योरम होता है आपका लिवोली थ्योरम, जो बहुत यूज आता है आपका, बहुत ही ज्यादा इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके लिवोली थ्योरम की, ठीक है। ये बहुत वीवीआई है लिवोली थ्योरम आपकी, ठीक है। फिर एंटायर फंक्शन, मेरोमोर्फिक फंक्शन, ये आपका हो गया। उसके बाद में कुछ थ्योरम से जो पूछी जाती हैं, आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी कह सकते हैं, फिर यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम इससे रिलेटेड भी बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिकनेस थ्योरम। उसके बाद में आपका आता है ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस, जो प्रिंसिपल है, और मैक्सिमम या मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी थ्योरम है, ओपन मैपिंग थ्योरम है, मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस थ्योरम है, लिवोली थ्योरम है, और एक और है आपका पिकार्ड्स थ्योरम। यहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कई कई बार एक ही क्वेश्चन में आपसे दोनों तीनों थ्योरम्स के बारे में पूछ लेगा। तो इनको आप लोग बिल्कुल कंफर्मली, आपको ये जो 4-5 थ्योरम है ये तो पक्का पक्का आपको करनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, अगर हम फिर पावर सीरीज की बात करें, पावर सीरीज में आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लगभग हमेशा हर ईयर क्वेश्चन रहता है, और ज्यादा भी नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी इजी वाले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से पूछता है, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो आपसे इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपका कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। फिर एक कोशी थ्योरम होती है आपकी, कोशी थ्योरम होती है, रेजिड्यू थ्योरम होती है, रेजिड्यू थ्योरम। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है वहां से आपको फंक्शन दे देता है, उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ लेता है। तो उसमें आपका कभी कभी कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला काम आता है, कभी कभी कोशी थ्योरम आ जाता है, रेजिड्यू थ्योरम आ जाता है, इस टाइप से, ठीक है। ओके, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, तो सिंगुलैरिटी में आपको आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड दोनों पूछ लेता है, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड। और फिर इसमें आइसोलेटेड में आपका इसेंशियल हो गया, रिमूवेबल हो गया, पोल्स हो गया, ये सब। और पोल्स से आपका काफी बार क्वेश्चन पूछता है लगभग, यहाँ से आपका रेजिड्यू भी कैलकुलेट करवा लेता है, ठीक है। तो ये सिंगुलरिटी हो गया, सिंगुलरिटी का भी लगभग आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका लोरेंट एक्सपेंशन हो गया, लोरेंट एक्सपेंशन,
लॉरेंट एक्सपेंशन से आप क्या बता सकते हैं? लॉरेंट एक्सपेंशन से आप सिंगुलरिटी भी बता सकते हैं, कब पोल होगा, रिमूवेबल होगा, कब एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। यहाँ से आपका रेजिड्यू भी कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो एक्सपेंशन से भी आपका कई बार क्वेश्चन होता है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो आपका बाइलिनियर से भी पूछता है, बाइलिनियर मैप से। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे आपको एक मैपिंग दे देगा, कोई भी फंक्शन दे देगा, और फिर पूछेगा कि ये बहुत सारे सेट्स आपको दे देंगे कि इस सेट को कहाँ पे मैप करेगा, या अपर हाफ को अपर पे मैप करेगा, लोअर पे करेगा, लेफ्ट को राइट पे करेगा, है ना? इस टाइप से बाइलिनियर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें जो अभी मैंने ऊपर जो थ्योरम्स बताई हैं, फिर आपका इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, कोश इंटीग्रल लगता है, या भी कभी कभी कोशी थ्योरम लग जाता है, और सिंगुलैरिटी से आपका क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको बिल्कुल आते हैं, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपको रिवाइज होने चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए। आप अगर कॉम्प्लेक्स में इतना भी जो टॉपिक्स है इनको कवर कर लेंगे तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है? ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट।